अब ललिता जी कैसी हैं? उनकी तबीयत तो ठीक है ना? उस पागल औरत के चक्कर में सारी रात हमारे बिटुआ को अस्पताल में बितानी पड़ी। अरे बहुरिया, जरा चाय लेकर आ। उसकी जरूरत नहीं अम्मा। अच्छा ठीक है, पहले नहा धो लो, फिर उसके बाद चाय पी लेना। नहीं अम्मा, हम चाय घर जाकर पियेंगे। घर जाके चाय पियेंगे का मतलब? हम वापस अपने घर जा रहे हैं। अम्मा, ललिता जी हमारा इंतजार कर रही ललिता निवास में। अब हम वहां जाएंगे। अरे बुड्ढो, क्या कह रहे हो? ये तुम्हारा तो घर है, ये सब परिवार तेरा है, और अब तो सब कुछ ठीक हो गया है। बेटियों के साथ तेरा रिश्ता भी बन गया है। ऐसे सब कुछ छोड़ के तुम मत जा बिटुआ। अम्मा, हमारा वहां भी एक परिवार इंतजार कर रहा है। हम ललिता जी से बहुत प्यार करते हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। लाली, तुम्हारे ये पागल पर हमको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। ऐसा पागल का तरफ कोई अपना नौस काटता है? तुमको कुछ हो जाता तो बेटा? मेरी माँ, मुझे कुछ नहीं होता। हम दुनिया के लिए कितने भी कठोर हो, पर मिश्रा जी हमारी कमजोरी है। हम उनके बगैर नहीं रह सकते। और जहां तक घाव का सवाल है, तो तुम्हारी लाली बहुत अच्छी तरह जानती है कि कितना गहरा घाव जान लेगा और कितना गहरा घाव जान जाने का खौफ पैदा करेगा। सत्ती ललिता जी, आप आ गए। हम मम्मी को बता रहे थे कि हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप जानते नहीं जो ना बाबू, आपके आने से हम कितने खुश हैं। ललिता जी, आपके प्यार के सामने हम झुक गए। हमसे वादा कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी हमें छोड़ के जाने की बात नहीं करेंगे। हम वादा करते हैं ललिता जी, ऐसा सोच तो हम अपने जहन में भी नहीं आने देंगे जब तक आप नहीं जानते। चलिए छोड़िए, लोग बाहर का खड़े हैं, अंदर आइए ना। एक मिनट, इस कोठी में हम आपका हाथ थाम कर आए थे, आज भी आपके साथ ही जाएंगे।